शांति श्रृंखलार सह शेष हला बालेश्वर बार एसोसिएशन निर्वाचन। निरंजन पंडा विकल्प भाव किए हे सभापति ताक समस्त वृद्धि पाई उत्सुकता। बालेश्वर जिला बार एसोसिएशन कर्मकर्ता चयन शनिवार दिन शांति श्रृंखलार सह शेष हो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शनिवार सकाल 8:00 मतदान आरंभ हो अपराह्न 4:00 पर्यंत चली लक्ष्य कर कचेरी हतारे एक नंबर और दुई नंबर बार में मोट 11 गोटी बूथ रे भोट ग्रहण चली। कोरोना संक्रमण प्रतिरोध पर मतदान चलता बेले समस्त भोटर आईनजीवी मैंने कोविड नियम को पालन करने भोटर मैंने अधिक सतर्कता अवलम्बन करते। मोट उपरे शांति श्रृंखलार सह अपराह्न 4:00 मतदान शेष होगा। गोटे घंटार विश्राम पर संध्या 5:00 4 गोटी टेबुल भोट गणति आरंभ होता। तेबे निर्वाचन अत्यंत शांतिपूर्ण भाव परिचालित होता सूचना देखते निर्वाचन अधिकारी भाव दायित्व तुलाउथिबा वरिष्ठ आईनजीवी कार्तिक प्रसाद सिंह। चलित निर्वाचन में मोट 1084 जन भोटर मतदान करिबार थिबा बेले 800 अधिक भोट पोलिंग होइथिबा से कहिथिले। मतदान करिथिबा आईनजीवी भोटर माने सामाजिक दूरता रक्षा करिबा सह प्रत्येक हाथ में ग्लोव्स एवं सानिटाइजर व्यवहार करिथिबा देखिबा को मिलिथिला। मु भावी बोधे साधारण निर्वाचन ठार बहुत भल सिम करा समस्त सानिटाइज करवा समस्त ग्लोवस दबा डिस्टेंस मेंटेन करवा बूथ मध्य जो डिस्टेंस मेंटेन करता से समस्त प्राय पदक्षेप निटर भोटर मैं तो ठीक से निज निज व्यवस्था आसूचार भोट केन्द्र भितर पशिला बेलू आम जहाँ व्यवस्था रही है समस्त सुजोग दे दिया एपरिक विकलांग मैंने आसमें स्पेशली जमी आणिकी दे करो भोट जमीपर सुरखुरीपर भोट विकलांग वयस्क मोबाइल के फोटो उठे पारे ना मोबाइल आयु एलाउ ना विदाउट मास्टर का एलाउ ना रेस्ट्रिक्शन तो रही। निर्वाचन परिचालन श्री सिंह को प्रबीर कुमार बेहरा प्रशांत कुमार पंडा निरंजन मल्लिक सुशांत जेना एवं शंकर जेना प्रमुख समेत मोट 16 जन वरिष्ठ आईनजीवी सहयोग कर ए निर्वाचन रे सभापति पदवी पर वरिष्ठ आईनजीवी रघुनाथ प्रधान रघुनाथ महालिक मनोज कुमार नायक और बैलोचरण दास उपसभापति पदवी पर जितेन्द्र उपाध्याय जितेन्द्र राउत और नृसिंह चरण नायक प्रतिद्वंदिता करुछंती। संपादक पदवी रे केशव कुमार आचार्य संबित कुमार नंदी सह संपादक पदवी रे बसंत कुमार प्रधान दीपक कुमार दास दुर्गा माधव महापात्र स्नेहलता दास और सूर्यकांत कर प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़ुंट। अन्यपक्ष कोषाध्यक्ष पदवी में नारायण चंद्र साहू प्रताप केशरी दास और चक्रधर सामंतराय प्रतिद्वंदिता करणापड़ी। अनुरूप भाव कोषाध्यक्ष दुईज और 12 जन कार्यकारिणी सदस्य पदवी पर 3 जन महिला समेत 21 जन को मिशाई चलित निर्वाचन में मोट 39 जन प्रतिद्वंदिता कर। नियम अनुसार प्रतिवर्ष मार्च मास शेष शनिवार यह निर्वाचन समग्र राज्य में अनुषित होता है। मात्र चलित बर्षर कोरोना संक्रमण जोगुं ओडिशा बार काउंसिल एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया पक्षर यह निर्वाचन को बातिल करा दिथिला। बार काउंसिल रो यह निष्पत्ति को चैलेंज कर राज्यर 11 गोटी बार एसोसिएशन हाईकोर्ट में मामला रुजु करते। तेबे मान्यवर हाईकोर्ट गत अक्टोबर 19 तारीख साधारण राय रे निर्वाचन पर तारीख धार्य करते। क्रम शनिवार अर्थात दिसंबर 12 तारीख में समग्र राज्य में समस्त बार एसोसिएशन रो निर्वाचन होता सूचना मिली। व्यवस्था आमर हजार 84 भोटर्स जहाँ देवे तेणु आम कार्ड कोविड 19 को लक्ष्य कर आमे भिड़ हबार आशा करें दुईटा बारे कर गत काली कलेक्टर महोदय दरखास्त देखु सी आम पठाई सानिटाइज कर देते घर दीटा आ बाहर सब आम तो बंदोबस्त कर देचु समस्त ग्लोवस दौचु सानिटाइज करुचु। हाँ आमर प्रकृत आम तो स्टेट बार काउनसिल गाइड करेणु स्टेट बार काउनसिल गाइड कर डायरेक्शन सारे काम कर तेणु सी प्रथम आमको कही रिमेनिंग पीरियड तार 28 दिन जो भोटा हबार थिला कोविड 19 में घुंची 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 एत पर्यंत पहुँचला। वर्तमान हाईकोर्ट 11 बार केस करते इलेक्शन बंद कर स्टेट बार काउनसिल ऑल इंडिया बार काउनसिल बंद कर दे इलेक्शन वर्ष आवानी कमिटी को दायित्व दि जाऊ कितु 11 बार केस कले कहीं इलेक्शन हम तेनाली हाईकोर्ट कहले जेनेल इलेक्शन हो पड़ चु
सबुआड़े जदि इलेक्शन हो पारे एटा कहीं बंद हे ते अर्डर देदेले तीन मास बर्तमान मार्च पुणी मार्च लास्ट शनिवार दिन आ गोटे इलेक्शन हम 39 जन कंटेस्ट कर टोटाल 39 जन कंटेस्ट कर प्रेसीडेट कर 4 जन वाइस प्रेसीडेट 3 जन सेक्रेटरी कर 2 जन एसीस्टेंट सेक्रेटरी 5 जन आउ ट्रेजरर 3 जन एसीस्टेंट ट्रेजरर 2 जन एग्जीक्यूटिव कर 21 जन ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଅପରାଜେୟ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବେ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। 4 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଇନଜୀବୀ କାହାକୁ ବାଛିବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।